येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः छात्र मित्राणि, अद्यतनीय अस्माकं पाठः कारकप्रकरणं विभक्त्यर्थप्रकरणं कारकपरिचयः विभक्त्यर्थप्रकरणं। मध्यमा द्वितीय कक्षायां इदं प्रकरणं समायाति। अब सभी विद्यार्थी बंधुओं का स्वागत है। यह जो कारक परिचय प्रकरण है या विभक्त्यर्थ प्रकरणम, जो 12वीं धोरण के अभ्यासक्रम में परंपरागत में यह पाठ है, तो वहाँ पाठ का नाम है विभक्त्यर्थ प्रकरणम, जो कि लघु सिद्धांत कौमुदिस्थ प्रकरण लिया गया है। तो यहाँ इसका नाम है विभक्त्यर्थ प्रकरण, और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में हमें नाम मिलता है कारक कारकमिति। तो है यहाँ विभक्त्यर्थ प्रकरण है। विभक्तियों का अर्थ जो प्रकरण बताता है उस प्रकरण को विभक्त्यर्थ प्रकरण कहते हैं। तो कौन कौन सी विभक्तियाँ है वो हम जानते हैं। विभक्ति संज्ञा करने वाला सूत्र भी है, सुप्तिंगंतम पदम, तो वो तो पद संज्ञा करता है, किंतु सुप्तिंगो विभक्ति संज्ञोस्तः विभक्तिश्च, विभक्तिश्च सूत्र के द्वारा विभक्ति संज्ञा होती है। तो सुबंध की विभक्ति संज्ञा होती है, और वह विभक्ति करने वाला सूत्र स्वौजस्मोच्छष्टाभ्याम है। उनके द्वारा जो विभक्ति प्रथमा से लेकर सप्तमी तक कही गई है उनका क्या अर्थ है, उसमें षष्ठी का भी समावेश होता है, किंतु कारक में षष्ठी विभक्ति का समावेश नहीं होता है, क्योंकि वह कारक विभक्ति नहीं है। तो संबंध जो है वह विभक्ति अर्थ प्रकरण में समाविष्ट होता है, किंतु कारक में वह समाविष्ट नहीं होता है। तो यहाँ वरदराजाचार्य ने विभक्ति अर्थ प्रकरण में ऐसा प्रकरण दिया है, और भट्टोजी दीक्षित जी ने कारकम यह प्रकरण दिया है, तो उसमें भी यह थोड़ा अंतर है। और विभक्ति अर्थ प्रकरण यदि आप देखें तो लघु सिद्धांत कौमुदी में अंत में आता है, पहले संधि है, फिर बाद में अजंत अलंत इत्यादि षडलिंग प्रकरण है जिसमें भी सो की सिद्धि है, तदनंतर गण गण प्रकरण है 10 गण, फिर बाद में तद्धितादि प्रत्यय है, प्रक्रिया है नाम धातु इत्यादि, और अंत में स्त्री प्रकरण के पूर्व में विभक्ति अर्थ प्रकरण है। तो विभक्ति अर्थ प्रकरण इतना पीछे क्यों दिया, उसका भी यही कारण है कि उस विभक्ति के अर्थ को जानने के लिए पहले जिन तद्धित कृत और षड्लिंग के द्वारा शब्द शास्त्र की सिद्धि होती है, उन सबको जान लेने के बाद ही समास को, कोदंत को, तद्धित को, प्रातिपदिक को, इनकी प्रक्रिया जान लेने के बाद में ही, शब्द रूप कंठस्थ हो जाने के बाद में ही, जैसे राम रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैहि, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामः इत्यादि शब्दों को तो कंठस्थ हम करते ही, किंतु उनकी शब्द सिद्धि किस प्रकार से उसकी निष्पत्ति होती है और किस प्रकार से वह प्रातिपदिक बन के विभक्त्यंत रूप बनता है, और विभक्ति लगने के बाद में चाहे वो कृदंत हो तद्धित हो, फिर बाद में उनका अर्थ हमें करना होता है, तो वही विभक्ति अर्थ प्रकरण है। और विभक्ति अर्थ प्रकरण में जैसा हमने बताया कि संबंध का समावेश होता है, लेकिन कारक में संबंध का समावेश होता नहीं है। तो यहाँ विभक्ति अर्थ प्रकरण हम देखेंगे और कारक भी देखेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि हमने षष्ठी भी रखी है यहाँ, इसलिए इसको विभक्ति अर्थ कहेंगे। और यह विभक्ति जो संज्ञा है वो प्रथमा द्वितीय तृतीय जो हम देखते हैं, ये सब प्राचीनों की संज्ञा है। प्राचीन वैयाकरणों ने भी प्रथमा द्वितीय इत्यादि जो संज्ञा दी है, जो है वही यथातथ पाणिनीय जिन्हें भी वही वहाँ रखा है, उसमें कोई फेरफार अंतर किया नहीं है। तो सबसे पहले कारक के
की प्रस्तावना में यहाँ लिख रहे हैं, क्रमताम वर्णानाम समूह पदम, पद समूह वाक्यम, वर्णों का जो समूह है वह पद है, पद का समूह जो है वाक्य है, और वाक्य ही अभीप्सित अर्थ को कहता है। अतः शब्द प्रपंच वाक्य में व प्रधान स्फोट में भी आया है, वाक्यादेव अर्थ परिसमाप्ति है दर्शनात्, क्योंकि वाक्य से ही अर्थ की परिसमाप्ति देखी गई है। किंतु पदम विना वाक्यम न भवति, वर्णेभ्य विना पदम न भवति। अतः व्याकरण व्याकरणे वर्ण निमित्तानि कार्याणि पद निमित्तानि च कार्याणि सन्ति, इसलिए जो वर्ण के बिना पद नहीं हो सकता और पद के बिना वाक्य भी नहीं हो सकता, तो व्याकरण में वर्ण निमित्त कार्य भी देखे जाते हैं और पद निमित्त कार्य भी देखे जाते हैं। जैसे कि वर्ण निमित्त कार्य प्रायः संधि कार्य वर्ण निमित्त कार्य, जो दो वर्णों को होते हैं स्वर को या व्यंजन को, जो संधि कार्य है। समासादिनी कार्याणि समासादिनी कार्याणि वाक्य पद निमित्तानि, जो समासादि कार्य है दो पदों को मिला करके होता है, इसलिए वो पद निमित्त कार्य है। वाक्यम अवलंब्य प्रवृत्तानि भवन्ति कारकाणि, और वाक्य को अवलंबित करके फिर बाद में वर्णों का कार्य देखने के बाद, पदों का कार्य का कार्यों को देखने के बाद, जो वाक्य है उसकी कारक के अनुसार प्रवृत्ति होती है। कार संबंधिनी कार्याणि च साक्षात परंपरया वाक्यानि संस्कृतम कर्तुम व्याकरणम प्रवृत्तम, तो इसी कारकम प्रवृत्तम, तो वाक्य को संस्कारयुक्त संस्कृत संस्कारयुक्त वाणी बने, जो संस्कृत शब्द का भी अर्थ है उसी प्रकार की बने, इसलिए फिर बाद में कारकों के अनुरूप व्याकरण प्रवृत्त हुआ। किम नाम वाक्यम, तो वाक्य किसे कहते हैं, या किम नाम कारकम, ये भी हम देखेंगे। तो पहले वाक्य कैसे कहते हैं, कारकान्वित क्रियापद युक्तम वाक्यम, यहाँ ऐसी व्याख्या दी है, ऐसी एक मिलती है व्याख्या, एक तिंग वाक्यम, जहाँ एक तिंग पद हो उसे वाक्य कहते हैं, और कारक युक्त कारकान्वित कारक और क्रियापद से युक्त जो है उसे भी वाक्य कहते हैं। जैसे मृग धावती, छात्र श्लोकम पठति, सह कटे उपविशति, एषु वाक्यसु प्रथम वाक्य कर्तृकारकेण अन्विता धावन क्रिया, जो प्रथम जो है मृग धावती उसमें कर्तृकारक से अन्वित, कर्तृकारक है मृग और उससे अन्वित है जो कि धावन क्रिया। द्वितीय में जैसे छात्र श्लोकम पठति, वहाँ छात्र वह कर्तृकारक है, श्लोकम यह कर्मकारक है, उससे उसके साथ अन्वित क्रिया जो है पठन क्रिया, यहाँ दो वो है दो कारक है। सह कटे उपविशति, तो यहाँ सह जो है वह कर्ता कारक है और कटे यह अधिकरण कारक है, उसके साथ अन्वित क्रिया उपवेशन रूपी क्रिया है, तो यहाँ भी दो कारक है, कर्तृकारक और अधिकरण कारक। तो इस प्रकार से वाक्य में एक से ज़्यादा कारक भी होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर देखिए कारक की व्याख्या आती है, कारक किसे कहते हैं, किम नाम कारकम, तरी उच्यते क्रियान्वयी कारकम, क्रियाया अन्वय क्रियान्वय, क्रियान्वयी जो क्रिया को अन्वित करे, क्रिया को उत्पादित करे, क्रियाया जनकत्वम कारकत्वम, ऐसी भी कहीं व्याख्या पढ़ी गई है, जो क्रिया को उत्पादित करता है या क्रिया का साक्षात जिसके साथ संबंध है उसे कारक कहते हैं, अन्वय मानी संबंध, क्रिया का साक्षात अन्वय जिसके साथ है, अन्वयो नाम संबंध है लिखा है यहाँ, क्रियान्वय अस्ति इति क्रियान्वयी, यत क्रियया अन्वेति नाम क्रिया सह संबंधम प्राप्नोति तत् कारकम, जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो उसे कारक कहते हैं। इति फलितार्थः एतच्च कारकम सोढा, वह कारक जो है छः प्रकार का है, यहाँ श्लोक दिया है, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्, कर्तृकारकम कर्मकारकम करणकारकम संप्रदानकारकम अपादानकारकम अधिकरणकारकम इति कारकाणि षट् सन्ति। तो इस प्रकार के छः कारक है, यहाँ देखिए आप कौन से कारक में कौन सी विभक्ति आती है, तो उसका हमने
यह एक कोष्टक दिया है जिसे आप देखें। यह जो है सामान्य रूप से ऐसा जरूरी नहीं है कि कर्तृकारक हो तो प्रथमा विभक्ति हो। वैसे तो शास्त्र के अनुसार यदि हम देखेंगे परंपरा के अनुसार तो कर्तृकारक में तो हमेशा तृतीया विभक्ति ही होती है। ये तो ही कर्तृकारक में प्रथमा विभक्ति करने वाला कोई सूत्र प्राप्त नहीं होता है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता में तो तृतीया विभक्ति ही होती है क्योंकि वहाँ कर्तृकरण या तृतीया यह सूत्र प्राप्त हुआ है। लेकिन व्यवहार के रूप में यदि हम देखें लोक में जो व्यवहार से प्रचलित है तो वहाँ ऐसा देखा जाता है कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है तो प्रथमा विभक्ति। ये तो ही शास्त्र के अनुसार कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है कर्तृकरण या तृतीया के द्वारा, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ सामान्य रूप से यह दिया गया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कर्म कारक हो तो द्वितीय विभक्ति ही हो। कर्म कारक में पंचमी भी हो सकती है, चतुर्थी भी हो सकती है, तृतीय भी देखी जाती है, सभी विभक्तियाँ कर्म में भी देखी जाती है। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। सामान्य रूप से यहाँ सभी का दिया गया है, वो विशेष जो है वह हमें यहाँ परिचयात्मक में पढ़ रहे हैं, सूत्र के साथ जब पढ़े तो उसमें विशेष मिलेगा सब। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जो कि संबंध वह कारक नहीं है, क्योंकि संबंध का क्यों कारक नहीं है तो साक्षात क्रिया के साथ उसका अन्वय नहीं है। जैसे अयोध्यायाः राजा रामः मंदिरम गच्छति, ऐसा वाक्य है अयोध्यायाः रामः मंदिरम गच्छति, तो यहाँ जो गच्छति है उसका अन्वय जो कि राम के साथ है या मंदिर के साथ है, लेकिन अयोध्या के साथ उसका साक्षात अन्वय नहीं है। जो कि राम का अन्वय अयोध्या का अन्वय साक्षात अन्वय कर्ता यानी राम के साथ है, अयोध्या का राजा राम। तो यहाँ उन दोनों के बीच में संबंध है, क्रिया के साथ साक्षात संबंध न होने के कारण जो संबंध विभक्ति है वह कारक में नहीं गिनी जाती है। विभक्ति में गिनी जाती है लेकिन कारक में वह नहीं आती है। तो इस प्रकार से 6 कारक है और 7 विभक्तियाँ हैं, ये आपको अवश्य ध्यान रखना है। तो यहाँ सबका सामान्य रूप से परिचयात्मक दिया गया है, विशेष रूप से हम नहीं देखेंगे, केवल परिचयात्मक रूप में हम देखेंगे। जैसे कर्तृकारकम, तो कर्ता किसे कहते हैं, तो वहाँ सूत्र आया है स्वतंत्र कर्ता, क्रिया में जो स्वतंत्र है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण के रूप में यहाँ दिया है पाचक पचति इत्यत्र पाचक पाक क्रिया संबंधम प्राप्नोति, जो पाचक रूपी कर्ता का पाक क्रिया के साथ संबंध होने के कारण पाचक वह कर्ता है। तच्च प्रकृते कर्तृकारकम, और यहाँ इस वाक्य में वह कर्ता कारक है। कर्ता किसे कहते हैं ये जानने के लिए हमें स्वतंत्र कर्ता के पास जाना पड़ेगा। क्रिया में जो स्वतंत्र है क्रिया करने में वही करता है, जिसकी व्याख्या का भी की गई है और एक दूसरी भी तत्प्रयोजक हेतुश्च के द्वारा भी प्रेरणात्मक की भी कर्ता संज्ञा होती है, तो दो कर्ता प्राप्त होते हैं। कर्म कारकम, कर्म कर्म क्रियते तत्कर्म, करोति इति कर्ता क्रियते तत्कर्म, इस प्रकार भी हम कह सकते हैं। यहाँ वाक्य दिया है गाम स्पृशति, कर्म कारक के लिए यहाँ सूत्र आया है कर्तोरीप्सिततमं कर्म। वैसे तो कर्म संज्ञा करने वाले बहुत सूत्र है लेकिन सभी जो जानते हैं वो यही सूत्र है कर्तुरीप्सिततमं कर्म। कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकं कर्म संज्ञं स्यात्, कर्ता क्रिया के द्वारा जो प्राप्त करना चाहता है अर्थात कर्ता को जो इष्टतम है, जिसकी व्याख्या काफ़ी आगे की गई है, उसे कर्मकारक कहेंगे। इत्यत्र अत्र वाक्यमस्ति गाम स्पृशति इत्यत्र गौः स्पर्शन क्रियया संबंधं प्राप्नोति, यहाँ तो केवल सभी कारकों का क्रिया के साथ जो अन्वय है वही दिखाया गया है, इसलिए पूरा वाक्य नहीं दे रहे हैं और कर्मकारक को कहकर ही यहाँ उसको उद्देश्य करके ही वाक्य दिया है। तो गाम स्पृशति, यहाँ जो गाम यानी गाय को स्पर्श करने की जो क्रिया है, तो अतः गौः कारकम, उसका क्रिया के साथ अन्वय होने से वह कारक है, और वह कौन सा कारक है तो कि वह कर्म कारक है, इसलिए उस कर्म कारक में उसकी द्वितीय हो गई विभक्ति, तो गाम स्पृशति यह रूप बना। अब वह कर्म कारक किस प्रकार से है तो उसके लिए आपको कर्तोरीप्सिततमं कर्म यह जानना पड़ेगा और अन्य भी जो कारक के सूत्र है वह सभी जानने पड़ेंगे। करण कारकम, तो उसका वाक्य है सुधा खंडे न लिखती,
तो यहाँ सुधा खंड का जो है लेखन क्रिया के साथ साक्षात संबंध है, इसलिए सुधा खंड कारक है। और वह कौन सा कारक है? तो करण कारक है। तो वह करण कारक है, किस प्रकार से हमें पता चलेगा? तो उसके लिए हमें कर्तिकर्ण जो नहीं सॉरी साधक तमम करणम, यह जो कर्ण करने वाला सूत्र है, सभी के यहाँ संज्ञा सूत्र भी है, तो वह हमें देखने पड़ेंगे। तो यह करण कारक है। क्यों? क्योंकि करण कारक किसे कहते? तो जो साधकतम है, साधकतमम कारकम करणम, जो क्रिया में, क्रिया सिद्धि में सबसे उपकारक है साधन, वही करण कहा जाता है, जिसके बारे में भी बहुत शास्त्रार्थ के साथ प्रकरण वाइज सूत्रों में अंदर दिया हुआ है, यह हम परिचय रूप में जाने। तो क्रियते अनेन ऐसा भी है, उसकी करण की व्युत्पत्ति हो सकती है। क्रियते अनेन तत्करणम इति संप्रदान कारकम, जो यह चौथा कारक है, कर्ता कर्म करण और संप्रदान, इसका वाक्य है यहाँ बालाय फलम ददाति इत्यत्र बाल बालह दान क्रिया संबंधम प्राप्नोति अतः बालह इति कारकम तच्च प्रकृते संप्रदानमिति। यहाँ जो बाल है, जो बाल रूपी बालाय, तो उसका संबंध ददाति रूप क्रियापद से है और फलम का भी है, लेकिन वह कर्म है, और ये बालाय जो है वह संप्रदान कारक है। तो उसके लिए सूत्र है कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम, संप्रदान को जानने के लिए सम्यक प्रदीयते अस्मै इति संप्रदानम, तो इस प्रकार से संप्रदान कह सकते हैं। अपादान कारकम प्रासादात पतति, इसका उदाहरण है इत्यत्र प्रासादः इति पतन क्रियाया अन्वयम प्राप्नोति, प्रासाद का जो है पतन रूपी क्रिया से अन्वय हो रहा है, इसलिए प्रसाद जो है कारक है। कौन सा कारक है? तो कि अपादान कारक है। अपादान को जानने के लिए हमें जो इनके प्रसिद्ध सूत्र है वही हम बता रहे हैं, बाकी अन्य भी है। ध्रुवम उपाय अपादानम, तो उसके द्वारा इसकी अपादान संज्ञा होती है। ध्रुवम तस्माद अपाय, यानी दूर होना, निश्चित से जो दूर होता है उसकी अपाय अपादान संज्ञा होती है। तो जो अपाय है, फिर बाद में आता है अधिकरणम कारकम, संबंध जो है वह कारक नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं दिया, कारक की बात हो रही है। अधिकरण कारकम, तो यहाँ इसका उदाहरण है पीठे उपविशति, तो पीठ रूपी जो है पद, उसका साक्षात अन्वय उपविशति उपवेशन क्रिया के साथ है, तो वह कारक है। कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। तो अधिकरण किसे कहते हैं? तो अधिक्रियंते है, अधिक्रियंते क्रिया अस्याम इति अधिकरणम, जिसमें क्रियाओं, जो क्रियाओं का आधार है, इसलिए सूत्र भी है आधार अधिकरणम, उससे हम अधिकरण को जान सकते हैं। तो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, कर्ता कारक तो प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक तो द्वितीय विभक्ति, करण कारक तो तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक तो चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक तो पंचमी विभक्ति, अधिकरण कारक तो सप्तमी विभक्ति, और इनसे जो बच जाए उसमें शेषे षष्ठी के द्वारा षष्ठी विभक्ति होती है, जो कि वह कारक नहीं है। यह सामान्य रूप से है, यह यथातथ नहीं जानना चाहिए, कि ऐसा नहीं जानना चाहिए कि कर्म कारक है तो द्वितीय विभक्ति ही होगी। जैसे ग्रामम गच्छति, यह वाक्य सही है, उतना ही सही ग्रामाय गच्छति, यह भी वाक्य उतना ही सही है। वो जो परंपरागत से पढ़ेगा वही जानेगा, केवल परिचयात्मक मात्र से जिसने जाना है कि गमनार्थ है द्वितीय, तो वह ग्रामाय गच्छति को शायद सही नहीं मानेगा, लेकिन यदि परंपरागत रूप से देखें, सूत्रों से आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि वो भी सही रूप है ग्रामाय गच्छति। तो इदम परिशील्यता में एक वाक्य सभी कारकों से युक्त दिया गया है, अयोध्याया राजा गाम हस्तेन विप्राय गोष्ठात गंगा तीरे ददाति, तो यहाँ ददाति रूपी क्रियापद का जो है सबके साथ संबंध दर्शाया जा रहा है। राजा ददाति, राजा रूपी करता है, कहाँ का राजा? तो उसका संबंध कहाँ, अयोध्या या राजा, प्रश्न पूछा कहाँ का राजा, तो हमें मिला कि अयोध्या या राजा, तो राजा का संबंध जो है वह अयोध्या के साथ है, न कि ददाति के साथ, इसलिए जो अयोध्या रूपी संबंध विभक्ति है उसका कारकत्व नहीं है, लेकिन राजा दे रहा है तो वह करता हुआ, तो उसमें प्रथमा विभक्ति है। किम ददाति तरी गाम ददाति, तो वह गाम जो है कर्म हुआ, उसको अभिप्रेत किया है, तो गाम अभिप्रेत है, फिर बाद में उसमें उपयुक्त करण कौन सा है, तो हस्ते न ददाति,
किसको देहराय तो विप्राय ददाती, तो अयोध्या या राजा गाम हस्ते न विप्राय, कहाँ से लेकर दे रहा है, किससे वह दूर हो रही है, तो गोष्ठात गाय गोष्ठ में है, गौशाला में है, तो वहाँ लेकर कौन से स्थल पर दी जा रही है, तो स्थल की जो है वह आधार जो है वह भूमि कौन सी है, तो गंगा तीर, तो वह अधिकरण हो गया, तो गंगा तीर। तो इस प्रकार से राजा वह कर्तृकारक गाम, यह कर्मकारक हस्ते न, यह कर्णकारक विप्राय, यह संप्रदानकारक गोष्ठात, यह उपादानकारक गंगा तीर, यह अधिकरणकारक, और ददाति क्रिया के साथ संबंध होने से कारण संपूर्ण सभी विभक्तियों का वाक्य बनता है अयोध्या या राजा गाम हस्तेन विप्राय गोष्ठात गंगा तीरे ददाति। इस प्रकार से अन्य वाक्यों की भी आप प्रैक्टिस अपने आप कर सकते हो और इसको ज़्यादा दृढ़ कर सकते हैं, लेकिन यह सामान्य परिचयात्मक है, ये बात आप अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। प्रस्तुत वाक्य न इसके हिसाब से ये आप सामान्य कारक जानेंगे तो आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी वाक्य के अनुवाद में, संपूर्ण अनुवाद में, या संस्कृत बोलने के लिए इसकी ही आवश्यकता पड़ती है, तो आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी तो आप ज़्यादा पढ़ेंगे इसमें। इसी हिसाब से यहाँ परिचय दिया है, परिचय न प्रीति ही, तो जिससे आपसे आपको कारक से प्रीति होगी और आप जानेंगे उसको। यहाँ जो प्रस्तुत वाक्य दिया गया है अयोध्या राजा गाम हस्तेन विप्राय गोष्ठात गंगा तीरे ददाति, इस वाक्य में कह कम केन कस्मै कस्मात् कुत्र ददाति इति प्रश्नाः समाहिताः भवन्ति, अतः दान क्रियायाः षट् अपि कारकाणि अन्वितानि भवन्ति इति स्पष्टम्। कस्य राजा इति प्रश्नस्तु अयोध्यायाः राजा इति वाक्येन समाहितः भवति, अयोध्यायाः अन्वयः राज्ञी एव न तु दानक्रियायाम्, अतः षष्ठी इति कारकं न उद्घोषित, जो हमने बताया वही। इत्थञ्च क्रियया सह कारकाणां संबंधस्य परिशीलनाय प्रश्नोत्तर रूपः मार्गः सुगमः, इस प्रकार से कह केन कस्मै कस्मात्, इस प्रकार से प्रश्नों को पूछ करके हम कौन सा कारक यह सरलता से हम जान सकते हैं, ये एक सुगम मार्ग है ऐसा बताएंगे। अर्थात यहाँ कह पचति अतः पाक कह पाक क्रियाम निवर्तयति तदि उत्थिताया आकांक्षाया उपशनम देवदत्तः पचति, देवदत्तः पाकक्रियां करोति इति उत्तरेण भवति, अतः देवदत्तस्य कर्तुः पाकक्रिया संबंध यदि न भविष्यति अभविष्यत् तर्हि प्रश्नस्य उद्देश उपशमनमपि न भविष्यति, जातश्च उपनम प्रश्नस्य, जो यदि कर्ता नहीं होगा तो प्रश्नों का उपशमन नहीं होगा। तो यह देवदत्तः पचति इस प्रकार का वाक्य कहेंगे तो हमारी कह पचति इस जिज्ञासा शांत होगी। जातंच उपशनम अतः क्रियाया संबंध अस्ति इति ज्ञायते, इसलिए क्रिया के साथ संबंध ये हमें ज्ञात होता है। एवं अन्य कारकादौ अपि गेम, इस प्रकार अन्य कारकों में भी जानना चाहिए। यहाँ एक सात विभक्तियों से युक्त श्लोक दिया गया है जो बहुत ही प्रचलित है, आप इसे पढ़े। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणा बिहता निसाचर चमु रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे हो राम मामुद्धर। यहाँ जो यह श्लोक दिया है इसमें सातों विभक्तियों का उपयोग किया गया है, जैसे रामः यह प्रथमा विभक्ति है, रामः राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम रामम रमेशम ये दोनों जो है द्वितीय विभक्ति है, रामेणा बिहता निसाचर चमु यहाँ रामेण जो वह कर्ता में तृतीय विभक्ति हुई है, रामाय तस्मै नमः यह उपपद विभक्ति है, रामाय नमः चतुर्थी विभक्ति, रामा नास्ति परायणम यह पंचमी विभक्ति है, रामस्य दासोऽस्म्यहम यह षष्ठी है, रामे चित्तलयः यह सप्तमी है, भो राम मामुद्धर यह संबोधन है, संबोधन का अन्वय प्रथमा विभक्ति में ही हो जाता है, इसलिए उसका कोई विशिष्ट कारकत्व या विशिष्ट विभक्तित्व नहीं है, एक वचनम संबुद्धि इस सूत्र से संबोधन प्रथमा ही है, यह हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अयम श्लोक सरणाम कारकाणाम शक्तिनाम विभक्तिनाम च अवगमने अत्यंतम उपकारक वर्तते, यह जो है वह सात कारकों के लिए छः कारकों के लिए और सात विभक्ति के लिए जानने के लिए यह उपकारक श्लोक है। इसके सिवा भी अन्य श्लोक आप खोज सकते हैं, जैसे एक हमें शायद पता है वो इस प्रकार से वृक्ष धन्योसि भूतले ऐसा करके एक श्लोक है, वृक्ष फलान्वितः भाति
प्रथमा वृक्षम धूनयते कपिः इति द्वितीया वृक्षम धूनयते कपिः वृक्षेण वार्यते तापः इति तृतीया जलम वृक्षाय दीयते इति चतुर्थी वृक्षात् पतन्ति पर्णानि यहाँ पंचमी है वृक्षस्य प्रसरो महान् यहाँ षष्ठी है वृक्षे खगाः निकूजन्ति यह सप्तमी है वृक्ष धन्योऽसि भूतले तो यह संबोधन है। तो इस प्रकार से आप अन्य श्लोक भी ऐसे ढूंढ सकते हैं जिसमें कारक विभक्ति भी है और एक उपपद विभक्ति होती है जो हमें जाननी चाहिए। उपपद विभक्ति जो पद को निमित्त मान करके होती है, जैसे यहाँ रामाय नमः में जो नमः पद होने के कारण यहाँ चतुर्थी विभक्ति हुई। यहाँ क्रिया जो है नमः पद के योग होने के कारण यहाँ संप्रदान संज्ञा होकर या कर्म संज्ञा या कर्तृ संज्ञा सॉरी करण संज्ञा होकर के यदि विभक्ति आती है तो उसे कारक विभक्ति कहते हैं। किसी पद को निमित्त मान कर का जो विभक्ति आती है सो उपपद विभक्ति कहते हैं। ये हमें जानना चाहिए, जिसकी व्याख्या जब आप कारक पढ़ेंगे तब आपको विशेष समझ में आएगी। तो यहाँ रामाय नमः में जो नमः पद के योग में चतुर्थी विभक्ति हुई है, तो यहाँ आप देखें इसका कोष्टक में वर्णन दिया ही हुआ है। रामो राजमणि सदा विजयते कर्तृकारकम प्रथमा विभक्ति, जैसे ये हमें जानना ही चाहिए। कर्ताकारक में प्रथमा विभक्ति नहीं तृतीया ही होती है, व्यवहार में प्रथमा, अनुवाद में देखे तो इस प्रकार से लोक से जानते हैं, इसलिए लोक के अनुसार थोड़ा शास्त्र भी चलता है। तो यहाँ रामम रमेशम भजे द्वितीय विभक्ति, रामेण करण कारक तृतीय विभक्ति, तस्मै रामाय नमः कोई कारक नहीं है। देखिए चतुर्थी विभक्ति है, रामात् परायणम प्रतरम अपादान कारकम अहम रामस्य दास अस्मिति शेष षष्ठी संबंध में रामे चित्तलय अधिकरण कारकम भूराम मामुद्र कोई कारक नहीं है संबोधन है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में आपको सार स्वरूप कारक को समझना चाहिए, विभक्ति अर्थ को समझना चाहिए और आगे भी आपको जिज्ञासा करके वैयाकरण सिद्धांत कुमुदी का जो कारक प्रकरण है वह पढ़ना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में वाक्य प्रयोग के लिए अनुवाद जगत में और संस्कृत में अनुवाद करने के लिए यह और बोलने के लिए अत्यंत उपयोगी होने के कारण कारक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है और अन्य परीक्षाओं में भी आपको उपयोगी होगा। तो कारक को जाने अस्तुतावत यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। नमो नमः, ओम।